सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। आज मैं आपको मस्सों के बारे में, जिनको वो कहते हैं स्किन ग्रोथ्स, उनके बारे में बताऊंगा। स्किन ग्रोथ्स कितने प्रकार की होती है, क्या उनमें कैंसर बन सकता है, उनका क्या इलाज है, ये सब जानकारी मैं आज आपको दूंगा। स्किन में कई तरह की ग्रोथ्स होती है और इन सभी ग्रोथ्स को आम भाषा में लोग मस्से कहते हैं। ये अलग अलग तरह की होती हैं और इनमें सबसे जो कॉमन ग्रोथ होती है उसे हम बोलते हैं स्किन टैग, और मेडिकल की भाषा में इसको कहते हैं एक्रोकॉर्ड। स्किन टैग्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर महिलाओं में, और महिलाओं में भी स्पेशली मीनोपॉज के बाद, या फिर जो लोग ओवरवेट हैं या फिर जो डायबिटिक्स हैं उनमें भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। ये स्किन कलर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कभी कदा ब्राउन या ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं। इनका साइज करीब 2 से 3 मिलीमीटर होता है। ये ज़्यादातर गर्दन के साइड में होते हैं या फिर ऐसी जगह होते हैं स्किन में जहाँ पे स्किन आपस में रगड़ खाती है, जैसे कि बगल में है, ग्रोइंस में है ये, लेकिन कभी कदाप फेस पे भी और चेस्ट पे भी आ जाते हैं। ये संख्या में थोड़े बहुत हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्किन टैग्स के बारे में दो जरूरी जानकारी ये है, एक तो ये कभी कैंसर नहीं बनते और दूसरा ये कि लगने वाली बीमारी नहीं है, एक से दूसरे को लगती नहीं है। अब एक और तरह के स्किन ग्रोथ के बारे में बताता हूँ मैं आपको, और उसे बोलते हैं सीबोरिक केराटोसिस। ये भी एक कॉमन स्किन ग्रोथ है और खासकर बुजुर्ग लोगों में 50 साल की उम्र के बाद अक्सर लोगों को देखने में मिलती है। सीबोरिक केराटोसिस में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, यानी मतलब परिवार में किसी न किसी और को भी होती है। ये स्किन ग्रोथ जो है ये स्किन से बस थोड़ी सी उठी हुई होती है, ये ब्राउन या ब्लैक कलर की होती है, ये दाने के रूप में हो गई या फिर कोई पैच के रूप में हो गई, और कभी कदाप तो ऐसा लगता है जैसे स्किन के ऊपर मानो कोई चीज़ चिपका दी गई हो। ये ज़्यादातर फेस पे होती है, चेस्ट पे होती है, बैक पे होती है, लेकिन बॉडी में कहीं भी हो सकती है, हाथ पैरों में भी हो सकती है। ये कुछ मिलीमीटर से लेके और कुछ सेंटीमीटर तक हो सकती है, और ये उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है, साइज में भी और नंबर में भी। ये जो सीबोरिक केराटोसिस होती है ये कैंसर नहीं बनती है और न ही ये लगने वाली बीमारी है। अब एक और स्किन ग्रोथ की बात करता हूँ, उसे कहते हैं DPN, जिसका पूरा नाम है डर्मेटोसिस पेपुलोजा नाइग्रा। ये ज़्यादातर केस हेरिडिटरी होते हैं और इनका जो साइज होता है DPN का वो 1 से 5 मिलीमीटर का होता है, छोटे छोटे दानों के रूप में दिखाई पड़ते हैं, और ये दाने ज़्यादातर गालों के ऊपरी भाग में होते हैं, लेकिन फेस पे, नेक पे, चेस्ट पे कहीं भी हो सकते हैं। ये दाने प्यूबर्टी के आसपास चालू होते हैं और उम्र के साथ साइज और संख्या में बढ़ते चले जाते हैं, और इनमें भी कोई तकलीफ नहीं होती और न ही ये कभी कैंसर बनते हैं। तो ये जो ग्रोथ थी ये सब ब्राउन या ब्लैक कलर की ग्रोथ थी। अब मैं आपको एक ऐसी ग्रोथ बताता हूँ जो कलर में रेड कलर की है या पर्पल कलर की है, और इसको बोलते हैं चेरी एंजियोमा। ये भी बहुत कॉमन ग्रोथ है और 30 साल की उम्र के बाद अक्सर दिखाई देनी पड़ती है। इनमें भी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है और कभी कभी चेरी एंजियोमास प्रेगनेंसी के बाद में भी आ जाते हैं, या फिर एनवायरनमेंट में कुछ केमिकल्स होते हैं या कुछ गैसेज होते हैं उनके कारण से भी चेरी एंजियोमा बन जाते हैं। ये चेरी एंजियोमा जो होते हैं वो रेड या पर्पल कलर के होते हैं, छोटे छोटे दाने के रूप में दिखाई पड़ते हैं, और ये रेड या पर्पल कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो खून की छोटी छोटी नलियाँ होती हैं जिनको कहते हैं कैपिलरीज, उनसे ये निकलते हैं। तो इसलिए जो चेरी एंजियोमास होते हैं एक्चुअली ये कैपिलरीज की ग्रोथ है। तो इन दानों में अगर इसीलिए नाखून अगर लग जाता है या कोई चोट लग जाती है तो उसमें से खून निकल जाता है। तो ये उम्र के साथ संख्या में बढ़ते चले जाते हैं, ये ज़्यादातर चेस्ट पे, पेट पे, आर्म्स पे, लेग्स पे होते हैं, और ये जो एंजियोमास होते हैं ये किसी भी तरह के हानिकारक नहीं होते हैं, नहीं ये कैंसर में बदलते हैं। तो ये जितनी भी ग्रोथ्स मैंने अभी आपको बताई ये सब ऐसी ग्रोथ्स थी जो एक से दूसरे को लगने वाली नहीं है, यानी इन्फेक्शस नहीं है। लेकिन अपने स्किन पे कभी कदा ऐसे भी ग्रोथ्स होती हैं कि जो इन्फेक्शस होती हैं, जिनमें से एक ग्रोथ है वॉट। तो वॉट जो एक वायरल इन्फेक्शन है, इसके बारे में मैं आपको पिछले एक वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल में, वॉट्स कितनी तरह के होते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, वो सारे डिटेल में आपको उनको दे चुका हूँ, तो आप उस वीडियो में इस सब जानकारी आप ले सकते हैं।
तो अभी तक जितनी भी मैंने आपको स्किन ग्रोथ्स बताई वो रियल में स्किन ग्रोथ्स हैं, लेकिन स्किन में कभी कदार बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई पड़ते हैं दानों के रूप में या वार के रूप में या फुंसियों के रूप में जो रियल में ग्रोथ नहीं होती है। वो स्किन की कोई बीमारी हो सकती है, स्किन का कोई इन्फेक्शन हो सकता है या बॉडी की कोई अंदरूनी बीमारी हो जिसका स्किन मैनिफेस्टेशन है वो। तो ऐसे दाने या फुंसियाँ आपको दिखाई पड़े तो ये क्या होते हैं, ये अचानक हो जाते हैं, इनमें खुजली होती है या इनमें कोई दर्द होता है, जबकि जो ग्रोथ्स होती है वो स्लोली ग्रो करती है। तो ये इनका दोनों का मेजर डिफरेंस है। तो ये ऐसे दाने वगैरह अगर आपको कोई दिखाई पड़े अचानक जो हो जाते हो तो इसके लिए आप तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें जिससे ये आपको पता चल सके कि क्या है और उनका इलाज हो सके। तो ये जितनी भी ग्रोथ्स थी ये सब बिनाइन ग्रोथ्स थी, मतलब ये कैंसर नहीं बनती है। और अगर आपको लेकिन लगे कि अचानक इनकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ने लग गई हैं या उनमें दर्द होने लग गया है या इनमें ब्लीडिंग चालू हो गई है तो आपको तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि हालांकि ये स्किन कैंसर बनते नहीं है लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो स्किन कैंसर के ऊपर एक्चुअली मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप सारे कैंसर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ये जितनी भी ग्रोथ्स हैं ये अपने आप ठीक नहीं होती और ना ही कोई नुकसान पहुँचाती है। तो इनका जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो ट्रीटमेंट में हमें इनको काटना या निकालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास कई ऑप्शन है, या तो हम इनको सर्जिकल नाइफ से काट सकते हैं या इनको क्यूरेट कर सकते हैं, खुर्च सकते हैं, या इनको इलेक्ट्रिक कॉटरी या रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी से हम जला सकते हैं, या फिर हम इनको क्रायोथेरेपी के द्वारा फ्रीज कर सकते हैं। तो क्रायोथेरेपी में हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन जैसा आप सब जानते हैं बहुत ठंडी गैस होती है और इसका टेम्परेचर होता है -195°C। तो ये लगाने से ये जो ग्रोथ्स होती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं। इन ट्रीटमेंट्स के अलावा इन ग्रोथ्स को हटाने के लिए हम लेजर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो CO2 लेजर हम काम में लेते हैं या फिर हम पल्स डायलेजर। तो आज का टॉपिक बस यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित होऊंगा और तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।